अच्छा, ये पहला एमसीक्यू है, द क्लासिकल फिजिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, पहली जो क्लासिकल फिजिक्स है वो न्यूटन लॉज हैं, वो उबे होते थे। उसके बाद जब ऐसे पार्टिकल डिस्कवर हुए जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोचेबल है, फिर उसके लिए जो है वो मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिविटी जो है उसमें डिस्कस किया जाता है। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अच्छा, जितने भी मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मटेरियल की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, साउंड वेव्स। तीसरा एमसीक्यू है, इफ़ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज साउंड वेव द अपेरेंट वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी बात कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला आता है v1 माइनस v2 अगर सेम डायरेक्शन हो, यानी सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाती है, और अगर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो तो फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर प्लस करना होता है। तो यहाँ पे उसने सेम कह दिया है, इसीलिए जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी या अपेरेंट वेलोसिटी, वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, बी ऑप्शन। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल वो होता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया को उबे करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया में या तो बॉडी रेस्ट में हो या मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो वो रेस्ट में होगा या मूव कर रहा होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब रेस्ट में हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है, तो इसलिए आएगा ऑल ऑफ अबव। इन 1905 द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज प्रपोज्ड बाय, अभी बताया आपको, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी जो है उसके बारे में बताया था, उस पर काम किया था। और नेक्स्ट है नंबर 6 पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर द मैस एम नॉट। अच्छा, एम नॉट को रेस्ट मैस कहा जाता है, रेस्ट मैस, इसका नाम होगा रेस्ट मैस, सी ऑप्शन। एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन एन एरोप्लेन एंड मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, ये हाई स्पीड से मुराद इतनी स्पीड अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कम स्पीड पे ये इफेक्ट हमें नज़र नहीं आते, तो यहाँ पे हाई स्पीड से मुराद आपने यही लेना है। तो हाई स्पीड से जब मूव कर रहा होगा तो हमने पढ़ा है कि लेंथ में कंट्रैक्शन आ जाती है, लेंथ कम हो जाती है, तो इसीलिए मीटर आर्ट मीटर का नज़र नहीं आएगा, लेस देन 1 मीटर आपको दिखाई देगा, बी ऑप्शन। द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डबल एट स्पीड ऑफ, अच्छा अगर मैस को डबल कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगी, यानी वी मालूम करना है m2 m0 के बराबर है। आपके पास रिलेशन है, आपको याद होगा रिलेशन, m इज इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, मैस वेरिएशन का आपने रिलेशन पढ़ा है। इस रिलेशन में आपने करना क्या है, m की जगह 2 m0 लिख देना है, m की जगह क्या लिख देंगे 2 m0, तो m0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद v जो है आई थिंक सो ये आएगा ऑप्शन ए, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा, ऑप्शन ए 2.6 × 10⁸, फार्मूला मैंने बता दिया है। तो m की जगह 2 m0 लिख देंगे, आगे m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यानी मैस वाला फार्मूला आपने यूज करना है, मैस वेरिएशन वाला। अच्छा जी, नंबर नाइन है, इफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मैस बिकम्स, अभी रिलेशन बताया, इसी रिलेशन को दोबारा यूज करेंगे, अगर v को c लिख देंगे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो जवाब आ जाएगा बट्टे के नीचे जीरो, जब भी बट्टे के नीचे जीरो है जवाब, तो ये बन जाता है आंसर इनफिनाइट। नंबर 10 पे है, द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शिफ्ट स्टीली टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये टी और लैम्डा का इन्वर्स ताल्लुक होता है, टेम्परेचर और वेवलेंथ का इन्वर्स। ये आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वेवलेंथ के क्या हो जाता है, इन्वर्सली, और उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, जिसको वेन्स कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ में कमी आ जाएगी, अल्फा ए ऑप्शन। एन आइडियल ब्लैक बॉडी जो है आइडियल वो होती है, गुड एब्जॉर्बर गुड रेडिएटर, जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है यूनिटी हो, वन हो, तो यह आएगा ऑल ऑफ दिस। ऑन अ हार्ड डे और हार्ड क्लाइमेट वाइट, ये वाइल नहीं है, वाइट क्लास आर वॉन बिकॉज दे आर गुड रिफ्लेक्टर।
आपको कोई कलर वाइट क्यों नजर आता है, क्योंकि वहां पे पड़ने वाली सारी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, मिलके क्या वाइट नजर आता है, ठीक है, वाइट नजर आता है। तो यहां पे आएगा गुड रिफ्लेक्टर, जो ब्लैक बॉडी होती है गुड एब्जॉर्बर है, और वाइट बॉडी जो है गुड रिफ्लेक्टर है, याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, आप तो नहीं दे रहे होते, सोर्स दे रहा होता है, सोर्स का वोल्टेज आपको ज़्यादा देना होता है, तो सोर्स का वोल्टेज आपको ज़्यादा उस सूरत में देगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होता है, निकल रहा होता है, उसकी एनर्जी का इनसार फ्रीक्वेंसी पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। अ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसीडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हूज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ म्यू नॉट या म्यू, तो इसका जो जवाब आएगा ये आपने पढ़ा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, तो ये आता है एच इन टू एफ माइनस एफ नॉट था, यहाँ म्यू लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन ए। इन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन है ना, उनकी तादाद है, उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तादाद जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो यहां पे आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी यानी आने वाली एनर्जी 10 है, निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आप किस तरह निकालेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, 10 जो आने वाला, हाँ, उसको निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ, फार्मूला इसके लिए आप लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, यह आइंस्टाइन की इक्वेशन है, एच एफ यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई वी के बराबर भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है ई वी, ई ई से कट जाएगा, वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ 1 किलोग्राम मैटर, अच्छा 1 किलोग्राम को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाएंगे, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है, एम सी स्क्वेयर जब आप लगाएंगे जवाब आएगा 9×10^16, ये है जोल में, आपने इसको अर्थ में कन्वर्ट करना है, तो 9×10^16 के साथ 10^7 लगा देंगे, क्योंकि 1 जॉल में 10^7 आर्ज होते हैं, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, सही कहा मैंने, 10^ जॉल में, अच्छा जॉल में है पड़ा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा डी 9।